जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा व्रत कथा पूजन विधि महत्व। कैसी रखें गुरु पूर्णिमा व्रत? प्रातःकाल जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के बाद गुरु की पूजा करें और फिर व्रत का संकल्प लें। व्रत रखकर पूरे दिन श्री विष्णु का ध्यान करें। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न करें। मांस मटन मच्छी और मदिरा से दूर रहें। स्त्री समागम या प्रसंग से दूर रहें। क्रोध ईर्ष्या किसी का अपमान करना आदि विकारों से दूर रहें। यात्रा न करें। किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य न करें। यदि व्रत रख रहे हैं तो वार्तालाप और बहस से दूर रहें। यदि व्रत रख रहे हैं तो तमाम तरह की सुख सुविधा का त्याग कर दें। दूसरे दिन अन्नदान करें या किसी को भोजन कराकर उसे दक्षिणा दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। गुरु पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण और वेद व्यास जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। उनकी पूजा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन पिता दादा और गुरु का आदर कर उनके पैर छुएं और उन्हें कुछ उपहार दें। गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल में जल चढ़ाएं और वहां पर घी का एक दीपक प्रज्वलित करके विष्णु जी का ध्यान करें। इस दिन केसर का तिलक लगाएं, मंदिर जाएं और पीली वस्तुओं का दान दें। इस दिन घर में चंदन की खुशबू फैलाएं, कपूर जलाएं और धूप दीप दें। पीली वस्तुओं का सेवन करें। तिजोरी या स्नान कोण में हल्दी की गांठ को किसी सफेद कपड़े में बांध कर रखें। इस दिन गीता का पाठ करें। इस दिन सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन करें। इस दिन गुरु ही नहीं माता पिता बड़े भाई बड़ी बहन चाचा आदि का भी सम्मान करते हैं। इस दिन गुरु से मंत्र प्राप्त भी करते हैं। पितरों के तर्पण का कार्य भी किया जा सकता है। कोई विद्या या सिद्धि सीखने का कार्य भी प्रारंभ किया जाता है। इस दिन शिव जी दत्तात्रेय और वेद व्यास जी की पूजा की जाती है। तीनों की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए पहले सफेद कपड़े पर चावल की ढेरी लगाकर उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश के भीतर आम के पत्ते और ऊपर नारियल को रखें। अब उत्तर या ईशान दिशा में शिव जी का चित्र स्थापित करें। शिव जी को गुरु मानकर निम्न मंत्र पढ़कर श्री गुरुदेव का आवाहन करें। हे गुरुदेव, मैं आपका आवाहन करता हूँ। अब शिव जी दत्तात्रेय और वेद व्यास जी की पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें, यानी कि पांच प्रकार की सामग्री गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य को अर्पित करें। यदि षोडशोपचार करना चाहते हैं तो 16 प्रकार की सामग्री अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद आरती करें तथा ओम गुं गुरुभ्यो नमः मंत्र की 11 21 51 या 108 माला जाप करें। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा व्रत कथा।
प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश स्वरूप कलावतार माना गया है। इनकी माता का नाम सत्यवती था और पिता का नाम ऋषि पराशर था। वेदव्यास ऋषि जी को बाल्यकाल से ही आध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेदव्यास ऋषि जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हट कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेदव्यास ऋषि जी के माता ने उनसे कहा कि जब गृह का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रबलता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। तत्पर्य आज भी वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।